मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैथिली के दाने में ऐसा क्या है आप ये पूछोगे जो ये सब करता है। भगवान ने इसको अद्भुत बनाया है। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मैथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मैथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मैथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेगा। गुड़गे का भी, गुड़गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है। दूसरे सभी औषधियों की तुलना, इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल भी खराब होता नहीं है, और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा। ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर रहा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है, अगर किसी ने कुत्ते में काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए, कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है। इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे। पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलोटेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। पहचानने का, मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो। खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, बेशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोए, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपको। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में एक दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी ना किसी बहाने से खा लीजिए, चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी न किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए। रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहे। वो भी अच्छी है। हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती, लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए, 3 महीने मिलती है लगातार खाइए, 4 महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती। माताओं को शरीर में गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है, मेथी का दाना। जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं
मासिक पारी समय से नहीं आती, आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय। ये जितने रोग हैं मासिक पारी के, ये सब की औषधि मेथी का दाना है। और एक ज्ञामन की कि सभी आयु को 45-50 साल की उम्र में मासिक पारी बंद होती है, उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूँ। जी मठ का मेथी के दाने की बात चल रही है, अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखापन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद। खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले मैंने बताया। जी गर्मी में किसी को भी चलेगा, जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए, और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदय घात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं।